हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ट्यूनिंग। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ ये फ़िल्टर। यामाहा का ओरिजिनल फ़िल्टर है, जेन्युइन पार्ट है। प्राइस इसकी आप मेंशन है, प्राइस आप देख सकते हैं 418। यामाहा की तरफ से है और G10 कैपिटल मोटर से मैंने परचेज़ की है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं यामाहा की क्वालिटी कैसी है। ये एयर फिल्टर है, इस पैकिंग के साथ आता है जो आप देख रहे हैं। ओरिजिनल पैकिंग है इसकी यामाहा की तरफ से। और ये फ़िल्टर है जिसकी 418 रुपीज़ प्राइस है। ये यामाहा एक कंप्लेन करती है कि आप जो है ये फ़िल्टर कम से कम 6000 पे चेंज कराएं, लेकिन मेरा जो है 8000 चल चुका है। मेरा इस्लामाबाद में मतलब इन सिटी ही चलता है तो इतना गंदा नहीं होता, तो मेरा इतने मैक्सिमम 8000 चल चुका है और मैं 8000 किलोमीटर के बाद ये पहला फ़िल्टर चेंज कर रहा हूँ इस बाइक का। और कंडीशन आप देख सकते हैं, जो मैं पुराना फ़िल्टर निकालूंगा आपको वो फ़िल्टर दिखाऊंगा और दोनों का कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा, नया फ़िल्टर और पुराना फ़िल्टर। इसमें दो नंबर भी आता है लोकल, जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ इस पैकिंग में होता है और लाइक इस शॉपर की पैकिंग में यूँ होता है और क्वालिटी और डाउन होती है। लेकिन इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। यामाहा की ब्रांडिंग हुई हुई है और स्टीकर भी यामाहा की तरफ से लगा हुआ है जो बना रहे हैं, और बहुत अच्छा फ़िल्टर है क्वालिटी में भी। अभी हम फिल्टर की जगह खोल रहे हैं। भाई मेरे मलिक साहब मैकेनिक जो यहाँ के हैं, और इस पे 5 नेट लगे हुए हैं। ओके, ये फिल्टर है। फिल्टर की आप कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही खराब हालत है। इसको झाड़ के दिखाएं अगर मिट्टी निकलती है कि, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मट्टी इतनी जल्दी नहीं निकल रही, लेकिन कंडीशन इसकी बहुत ख़राब होगी। चूँकि आपको मैं नया फ़िल्टर दिखाते हैं मलिक साहब, यह है पुराना फ़िल्टर और ये नया फ़िल्टर है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, यामाहा के सेम ब्रांडिंग सेम स्टिकर लगा हुआ है फिल्टर पे। स्टिकर भी सेम है, साइज भी सेम है। चले, ये आप फिल्टर लगा रहे हैं भाई, फिल्टर लगा के दिखाएंगे आपको कैसा लगता है भाई। ठीक है, ये फिल्टर याद किया था। चलो भाई, ये इस तरह लगाते हैं, आप देख सकते हैं ये यहाँ प्रॉपर बैठ गया। इसके ऊपर यहाँ पेस्ट लगा देना है आपने,